सो वेलकम टू दिस कोर्स. इसमें हम सीखेंगे जूम G1X4 को यूज़ कैसे करना है, पैचेस कैसे बनाने हैं और स्टेज रेडी कैसे करना है बेसिकली. सो अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जूम G1X4 के अलावा दो और प्रोसेसर्स हैं, नंबर वन एंड नंबर टू. इनके भी कोर्सेज़ हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे. आज मैं इसके बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ. जिन जिन के पास ये प्रोसेसर है, आई थिंक बहुत बिगिनर्स के पास है, और मैं इस प्रोसेसर को रिकमेंड भी करता हूँ. इसको अगर आप अच्छे से प्रोग्राम करो, सब कुछ करो, तो आप इसको स्टेज पे किसी भी स्टेज के लिए, एक स्टेडियम शो के लिए भी यूज़ कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम क्या बोल रहा हूँ मैं, रात हो रही है, दिमाग नहीं काम कर रहा. आप देखो, आपको बेसिकली गिटार की इनपुट केबल चाहिए जो कि लगेगी इसमें यहाँ पे. जैसे ही आप लगाओगे, अगर आप इसको बैटरी पावर रख रहे हो, क्योंकि इसके पीछे बैटरीज लगती हैं, तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा. अगर आपके पास बैटरी नहीं है, तो मेरे पास ये 9 वोल्ट का केबल है, आई कैन पुट दिस और ये पावर ऑन हो गया. फिर आप अपने एम्प में या फिर अपने, जैसे मैं अपने स्टूडियो मॉनिटर्स में रन करता हूँ, किसी के लिए भी आप आउटपुट यहाँ से ले सकते हो, जो कि आपको ये लगाना है. नाउ दिस इज़ रेडी एंड दिस इज़ गुड टू गो. अब देखो, इसमें चार मोड्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगा. पहला मोड कि फैक्ट्री प्रीसेट्स जो कि बन के आए हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे. सबके वॉल्यूम इधर उधर हिले हुए हैं, कुछ भी है, एंड मैं इनको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप इनको यूज़ करो. कुछ हैं जो अच्छे हैं, बट बाकी ऐसे ही हैं. ठीक है, सो वन, ये जो ये वाला बटन है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 10-10 पैचेस हैं. देखो ये, एंड देन इससे आप पैच आगे बढ़ाते हो, इससे पैच पीछे जाता है. अब हम पहले बैंक में हैं, पैच आगे जा रहे हैं, दूसरे बैंक में आ गए. देखा, अपने आप दूसरे बैंक की लाइट जल गई है. तीसरे बैंक में आ गए, चौथे बैंक की अपने आप लाइट जल गई है. पांचवे बैंक में आ गए. यहाँ पे है हमारे प्रीसेट्स जो कि हम खुद बनाएंगे, है ना, कस्टम प्रीसेट्स. मतलब आप इनको भी एडिट कर सकते हो, बट यहाँ पे इन लोगों ने एक एम्प्टी दे रखा है स्लॉट, 10. अब ये 10 से को चालू हो रहा है, क्योंकि शुरू के 10 इन्होंने, जो इसका दूसरा मोड है विच इज़ द रिदम मशीन, जिसमें एक ड्रम किट आपके साथ प्ले करती है. सो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, फंक रॉक. नाउ आई डोंट नो हाउ मच इज़ विजिबल, लेट मी सी इफ आई कैन जूम इन. देन यू सी दिस फंक रॉक एंड R&B, एंड आप इसका जॉनरा बदल सकते हो, आपको कैसी ड्रम किट चाहिए, काउंट, शुरू में काउंट चाहिए कि नहीं चाहिए, BPM एंड वॉल्यूम, है ना. एंड इट कम्स विद अ एक्सप्रेशन पेडल फॉर वॉल्यूम एंड वाह. नाउ द थर्ड मोड इज, I'll say, is the tuner. आप जब पैच अप पैच डाउन को एक साथ दबाते हो, हेलो, हाँ जा इधर आके, एक साथ दबाते हो, ट्यूनर ऑन हो जाता है. ट्यूनर में आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, 440 की जगह कुछ और करना है. कुछ लोग कहते हैं ना कि दिल की धड़कन के आसपास रखो तो म्यूज़िक दिल को छूती है, वो जो बेवकूफ़ बनती है. 440 इज़ दी स्टैंडर्ड थिंग, इसी पे रखो, इसी पे करो. अनलेस यू आर लिटिल क्रिएटिव, यू कैन गो डाउन देयर. मैंने कभी नहीं किया. नाउ द नेक्स्ट मोड इज़ द लूपर मोड. नाउ व्हेन यू गेट इनटू द लूपर मोड, अब लूपर मोड में यहाँ पे जो मुझे स्टैंडर्ड समझ में आया वो है कि आप इसको रखो मैनुअल, इंस्टेंट, पोस्ट, और यहाँ पे आप लूप का वॉल्यूम डिसाइड कर सकते हो. मेरे हिसाब से आपको ये सेटिंग्स रखनी चाहिए. देन आई थिंक या दैट्स प्रीटी मच इट. दिस इज़ द बेसिक्स. अब पैच कैसे एडिट करने हैं, इसको कैसे स्टेज के हिसाब से बनाना है, लूपर में आप लूपर ऑपरेट कैसे करते हो, हाँ ये मैं बताना भूल गया. लूपर में ये देखो, ये जैसे आप दबाओगे आपका लूप चालू हो जाएगा. अब आप कुछ प्ले करते हो, ठीक है, अब आपको सुनना है कि अच्छा ठीक है, लूप बन गया, आप सुनते हैं. अब यहाँ पे फर्स्ट बटन से प्ले कर रहा है, ठीक है, अच्छा अब मुझे इसके ऊपर स्टैकिंग करनी है और लेयर्स डालनी है. फिर से दबाओ, ओवर डब लिख के आ रहा है. अब आप स्टैक कर रहे हो, ठीक है, एक बार सुनते हैं
कि फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर मिलके कैसी सुनाई, अच्छी सुनाई दे रही है। थर्ड लेयर 30 सेकंड्स का लूपर है इसमें, ठीक है बढ़िया चल रहा है। अब इसको सुनो, अब इसके ऊपर अपने जाके प्ले करने लग जाओ। अब आपको स्टॉप करना है, ठीक है लूप ख़त्म हो गया, अब मुझे स्टॉप करना है, मुझे कुछ और जैम करना है। आपने इस वाले राइट वाले बटन को दबाया, स्टॉप हो गया, ठीक है। अब लूप क्लियर करना है ताकि आप नया लूप बना पाओ, इसको दबाए रहो, क्लियर ओवर एंड आउट। सो दिस इज़ प्रिटी मच द बेसिक्स ऑफ जूम G1X4। और नेक्स्ट एपिसोड्स में आप मेरे इसके कोर्सेस अभी प्री रजिस्ट्रेशन पे हैं, क्योंकि मैंने अभी कोर्सेज अपलोड नहीं किए, इसलिए मैं 50% ऑफ दे रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दो तरीके हैं आपको ये कोर्स लेने के, फर्स्ट कि आप जाके मेरे ऐप पे ले सकते हो जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ डिटेल, सेकंड आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो akeemsidschoolofmusic.com, और आप कोड यूज़ कर सकते हो प्री रजिस्टर, सो आपको 50% ऑफ मिलेगा एंड ये कोर्सेज बहुत जल्दी आ जाएंगे, सो ये डिस्काउंट चला जाएगा। हाईली रिकमेंडेड कि आप अभी से ले लें और इस कोड का फ़ायदा उठाएं। जैसे ये आई थिंक अगले एक हफ्ते में मैं ये तीनों प्रोसेसर्स के कोर्स को पब्लिक कर दूंगा, सो दैट यू कैन एन्जॉय, और आप इन तीनों प्रोसेसर से अपने स्टेज, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, स्टेडियम, इनमें आप इनको यूज़ कर सकें विद एन एम्प और विदाउट एन एम्प, डायरेक्टली गो इनटू द पीए, व्हाट एवर इज़ योर सेटिंग, व्हाट एवर इज़ योर प्रेफरेंस। सो दैट वॉज इट, लेट मी नो कैसा लगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वीडियो, नो बकवास। एंड दिवाली आने वाली है, हैप्पी दिवाली, पटाखे मत फोड़ना, वैसे बहुत पॉल्यूशन हो रहा है। चलो टेक केयर, सी यू, बाय।